हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपको ऑल पर्पस प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाना बता रही हूँ, और इसके लिए आप क्या क्या लेंगे वो मैं देख लीजिए एक बार। तो ये है गोबर की खाद। तो फ्रेंड्स, आप गोबर की खाद लेंगे, एक खाद ज़रूर कोई भी डालेंगे, चाहे वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं आप, और या फिर आप इस तरह से, ये 6 से 7 महीने पुरानी आपकी खाद होनी चाहिए गोबर की, उससे ताज़ी ना हो ऐसी खाद लीजिएगा। और तो ये है, और उसके बाद ये है सैंड। फ्रेंड्स, आजकल थोड़ा बारिश में ये गीली हो गई है, तो ये सैंड है। मेरी थोड़ी सी जो सॉइल है, ये मिट्टी, ये थोड़ी सी बालुई है। ये देखिए, मैं पास दिखा दूँ, ये देखिए। तो जब इसमें थोड़ा सा सैंड मिला हुआ है, मिक्स है, सैंडी सॉइल है, तो आप ये सैंड उस हिसाब से डालेंगे कि आपकी मिट्टी जिस तरह से चिकनी है अगर मिट्टी, तो ये ज़्यादा पड़ेगा, और अगर इस तरह से सैंडी सॉइल है तो कम पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा है नीम खली, वो सॉरी नीम की पत्ती। नीम की पत्तियों को कैसे करना है, सुखा कर मैंने बस क्रश कर लिया है, ये देखिए मिक्सी में, और ये आप डाल सकते हो। और ये है नीम की खली, तो या फिर आप या तो ये डालिए या तो ये डालिए। मैं होममेड ही डालूँगी, मैं ये नहीं डालूँगी। और ये भी इतना ही बाउल भर के होना चाहिए, मेरे पास अभी नहीं था तो इतना मैं दिखा रही हूँ सिर्फ आपको, इतनी होनी चाहिए इतनी मिट्टी में डालने के लिए। और मैं नीम डालूंगी, ये भी वही काम करता है, वर्क इसका वही है जो इसका है, वही इसका है। तो मैं ये डालूंगी जो मैंने अपनी फ्रीज की तैयार की है। और उसके बाद ये हम हल्दी ले लेंगे। हल्दी भी एंटी फंगल होती है और इससे बैक्टीरिया नहीं लगते, मिट्टी हमारी जो है ना वो बिल्कुल फंगस फ्री रहेगी। ये है वुड ऐश, लकड़ी की राख। इतनी मिट्टी के लिए फ्रेंड्स मैं इतना ही डाल रही हूँ इसको, तो डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने ये नीम की पत्तियाँ डाल दी है। ये होममेड मैंने तैयार की है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से इसको तैयार करना है। उसके बाद ये हल्दी मैं डाल दूँगी। मैंने फ्रेंड्स नीम की पत्तियों को डाला है, इसलिए मैं ये नीम की खली नहीं डाल रही हूँ। तो इनको हम हटा लेते हैं और अच्छे से ये पूरी मिट्टी मिला लेंगे।